एनएफ रेलवे एम्प्लाइज यूनियन के महामंत्री मुनीम सैकिया के नेतृत्व में नई पेंशन नीति के खिलाफ किया गया सभा का आयोजन। इस मौके पर महामंत्री मुनीम सैकिया ने मीडिया को बताया कि 2004 से रेलवे में आने वाले कर्मचारियों के ऊपर न्यू पेंशन स्कीम को लागू किया गया। तब से एनएफआईआर और एनएफ रेलवे एम्प्लाइज यूनियन इसका पुरजोर विरोध कर रही है। एनएफआईआर और एनएफ रेलवे एम्प्लाइज यूनियन का एक ही लक्ष्य है, सभी रेल कर्मियों के लिए पेंशन बहाल कराना। न्यू पेंशन स्कीम के विरोध में विभिन्न तरीकों से एनएफ रेलवे से लेकर दिल्ली तक एनएफआईआर और एनएफ रेलवे एम्प्लाइज यूनियन विरोध करने का काम कर रही है, परंतु वर्तमान सरकार खुद पेंशन लेकर रेल कर्मियों को पेंशन देने में कतरा रही है। वर्तमान सरकार का यह कर्मचारी विरोधी नीति एनएफआईआर और एनएफ रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। प्राइवेटाइजेशन, आज देखिए रेलगाड़ी का प्राइवेटाइजेशन करना ये सरकार का नीतियों का एक गलत, मैंने बोला कि एक गलत नीति है। रेलवे आज 100 साल से ऊपर रेलवे इंडस्ट्री चल रहा है और यह भारतवर्ष का रेल इंडस्ट्री पूरा विश्व में नाम है, पूरा दुनिया में इतना बड़ा संगठन मुझे लगता है नहीं है। तो हम लोग गाड़ियाँ चलाते हैं, इतना 23,000 से ऊपर गाड़ी हम लोग चलाते हैं और ये प्राइवेट वालों को जिस कहीं गाड़ी चलाते हैं कहीं पर प्रॉफिट है कहीं पर प्रॉफिट नहीं है, लेकिन प्राइवेट वालों को जो जिस लाइन में जिस रूट में बेनिफिट मिल रहा है उस रूट में प्राइवेट वालों को गाड़ी देने के लिए सरकार ने निर्णय लिया, सरकार दे भी रहा है, तो ये सक्सेसफुल नहीं होगा। क्योंकि जिस मोटिवेशन से जिस डेडिकेशन से रेलवे एम्प्लॉयज काम करते हैं प्राइवेट वाले काम नहीं कर सकते, और इसका प्रमाण हम लोग ने कोरोना काल में दे दिया। कोरोना काल में सरकारी व्यवस्था था रेलवे का, इसीलिए पूरा भारतवर्ष में हम लोग ने गाड़ियाँ चलाए, मालगाड़ी चलाया, फूड ग्रेन्स हम लोग ने सप्लाई किया, मेडिसिन हम लोग ने सप्लाई किया, लोगों को जो हम लोग ने मदद किया लोग बस गया। एट द टाइम ऑफ क्राइसिस इंडिया का जब क्राइसिस होते हैं सैन्य लेने जाने का टाइम है, आर्मी को हम लोग ने ट्रांसपोर्टेशन कराते हैं, तो प्राइवेट वाले ये काम नहीं करेगा। कोरोना टाइम में कोई प्राइवेट वाले ने काम नहीं किया, तो सरकारी संस्था हम लोग का हाथ में होना चाहिए। हम लोग रेलगाड़ी चलाएंगे, स्टेशन हमारा है, ट्रैक हम लोग ने मेंटेन करता हो, तो उसमें दूसरा आदमी आके कैसे गाड़ी चलाएंगे? ये हम लोग का जो जस्टिफिकेशन है सरकार का, ये हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। तो सरकार को बोला जिस रेलवे एम्प्लॉय को चलाने दीजिए, तब रेल का भी भला होगा, देश का भी भला होगा, ये हम लोग का एजेंडा है। अब कब तक लगता है होगा या नहीं होगा? होना तो पड़ेगा, ये मैं गारंटी से बोल रहा हूँ। ये जब तक नहीं होगा ये तो सरकार का नींद आएगा नहीं। हम लोग जितना सारे आंदोलन का मतलब ये नहीं है कि गाड़ी बंद कर दे, आंदोलन का बहुत सारा प्रोटेस्ट का बहुत सारा मैंने प्रोसीड्यूर है, हम लोग कर रहा है आज 20 सालों से हो रहा है और होगा, लेकिन सरकार को ये मानना ही पड़ेगा। सरकार मानेगा, मुझे आशा ही है सरकार रेल एम्प्लॉय का साथ मतलब अच्छा रिजल्ट देगा। थैंक यू। आज एनएफ रेलवे एम्प्लॉय यूनियन के कटिहार के 3 ब्रांच, लेडीज़ ब्रांच, जनरल ब्रांच और टेक्निकल ब्रांच का आज दूरवार्षिक अधिवेशन है। आज नई कमेटी का गठन होगा जो सम्मानित रेल कर्मी उनके परिजन के हकों के लिए, अधिकारों के लिए आवाज़ उठाएंगे। एनएफ रेलवे एम्प्लॉयज से हम हमेशा रेल कर्मी और उनके परिजन का यूनियन रहा है, उनके हक की बात किया है, उनके अधिकारों की रक्षा करने का काम एनएफ रेलवे एम्प्लॉयज ने किया है। आज जब तक जो सरकार, जो वर्तमान सरकार है या जो सरकार रहेगी, एनएफ रेलवे एम्प्लॉयज किसी भी सरकार का पक्ष या विपक्ष नहीं करता है। एनएफ रेलवे एम्प्लॉयज का सीधा लक्ष्य यह है कि जो भी सरकार रेल कर्मचारी के हक की बात करेगा, एनएफ रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन और सभी सम्मानित रेल कर्मी और उनके परिजन उसके सपोर्ट में हम लोग आएंगे। जो उनके अधिकारों में कटौती सटौती का काम करेगा, वैसे सरकार का हम लोग कभी भी पक्ष नहीं लेंगे, ना रेल कर्मचारी इनका पक्ष लेगा। जैसा कि अभी रेल कर्मचारियों में आक्रोश है न्यू पेंशन स्कीम को लेकर, सभी का डिमांड है कि ओल्ड पेंशन स्कीम सभी को देना पड़ेगा, क्योंकि बुढ़ापा का सहारा है, पूरा जिंदगी रेल को चलाने में रेल कर्मचारी लगा देते हैं और उससे ये पेंशन छीनने का काम वर्तमान सरकार कर रही है। आज आप देखिए, अगर पेंशन देने से आर्थिक व्यवस्था
कमजोर होता है सरकार का, तो निश्चित रूप से रेल कर्मी अपना पेंशन छोड़ेंगे। मगर उससे पहले क्या करना पड़ेगा, जो राजनेता बैठे हैं वो पेंशन ले रहे हैं तो भारत का अर्थव्यवस्था नहीं गिर रहा है, और जो रेल कर्मचारी काम करके अपना जिंदगी रेल में दे रहा है, यात्रियों को सुविधा प्रदान कर रहा है, नया नया रेल चला रहा है, उसका पेंशन देने में अर्थव्यवस्था बिगड़ रहा है। राजनेता अपना पेंशन क्यों नहीं छोड़ रहे, ये सबसे पहले सवाल या निशान है। तो सबसे पहले राजनेता अपना पेंशन छोड़े, तभी कोई अपना पेंशन छोड़ेगा।